हम लोग आज रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, और क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन दो अलग अलग मीडियम में होते हैं, तो पहला मीडियम हमारा एसिडिक मीडियम है। इसमें आप ध्यान रखें बैलेंस करने के नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि जिस रेडॉक्स रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो आप उस रेडॉक्स रिएक्शन को अनेक छोटे छोटे पार्ट्स में बाँट लें। और यह छोटा छोटा पार्ट्स किसके अनुसार होगा, तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके अनुसार हम लोग उतने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। और उसके बाद हरेक पार्ट को हम लोग इस नियम से बैलेंस करेंगे। पहला नियम ये है कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको हम लोग अपने हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए उसे हम लोग कोफिशियंट देके बैलेंस कर देंगे। इसके बाद नंबर आएगा सेकेंड ऑक्सीजन एटम का। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O मॉलिक्यूल का यूज करेंगे, यानी कि जिस साइड में ऑक्सीजन एटम की कमी होगी, है ना, तो उस साइड में हम H2O मॉलिक्यूल इतना जोड़ेंगे कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाए। इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर पर आएगा वो थर्ड नंबर हाइड्रोजन एटम का होगा, और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग H प्लस आयन का यूज करेंगे। हम देख लेंगे कि जिस साइड में H एटम कम है उतना ही H प्लस आयन हम लोग दे देंगे ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। इस जब सारे एटम्स बैलेंस हो जाएंगे तो हम लोग अब लास्ट में चार्ज को बैलेंस करेंगे, और उसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के टोटल चार्ज को हम लोग देख लेंगे। जिस साइड में चार्ज ज़्यादा मात्रा में होगा, तो जितना ज़्यादा मात्रा में चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से उसका चार्ज कम जाएगा। और लास्ट में दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे, और ऐसा जोड़ेंगे कि जो दोनों में इलेक्ट्रॉन आया है वो कैंसिल हो जाए, और इसके लिए हमें गुना भी करना पड़ सकता है। हम लोग यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस का जो मेथड है वो क्लास 10 में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है जो आई माइनस प्लस आई ओ थ्री माइनस प्लस एच प्लस, और ये तीनों मिल करके आई टू प्लस एच टू ओ बना रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि यह जो आई माइनस है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन है, ठीक है, और यह जो आई इसमें इस्तेमाल हुआ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है, ठीक है, और यहाँ पर यह आई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो हम देखते हैं कि यह जो आई है माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट से चला गया है जीरो में, यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए ये पूरा प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसमें प्लस फाइव से चला गया है जीरो में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम गया है, तो ये हमारा रिडक्शन कहलाएगा। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे आप लोग इसको देखें। सबसे पहले आप इसमें जो है एक एक प्रोसेस को ले लें, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन को पहले लेते हैं, तो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस को लेते हैं तो हमें लिखना होगा जो आई माइनस है, तो यह आई माइनस को आई टू में हम लोग ले जाएंगे। नियम के अनुसार जो पहला नियम है तो इसमें एटम्स बैलेंस नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर अगर दो दे देंगे तो यहाँ पर भी आई का दो एटम और यहाँ पर भी आई का दो एटम हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ टोटल जो चार्ज है वो माइनस टू है, यहाँ पर टोटल चार्ज माइनस टू है और यहाँ पर टोटल चार्ज जीरो है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं यह जो जीरो है वो माइनस टू से ज़्यादा है, है ना, तो इसी साइड में हम लोग अगर दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो यहाँ का टोटल चार्ज माइनस टू और यहाँ का भी टोटल चार्ज माइनस टू, ये बैलेंस हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन वन लिखेंगे। तो रिडक्शन के प्रोसेस को बैलेंस करेंगे,
और जो रिडक्शन यहाँ पे होगा तो रिडक्शन में ये IO3 माइनस है और यह IO3 माइनस जा रहा है I2 में, तो यहाँ पर भी I का एक एटम है और यहाँ पर I का दो एटम है, तो इन दोनों को बैलेंस हमें करना होगा। तो यहाँ पर दो है तो चलो यहाँ पे दो दे दो, I का एटम हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद सेकेंड में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3 × 6 है ना, तो यहाँ पर हम लोग अगर 6H2O देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर मेरा कितना है, 6 × 12 = 12 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 12H+ देते हैं तो हमारा ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब लास्ट में चार्ज देखो, क्योंकि ये जो पूरा यहाँ पर स्पेसिज है इस पर चार्ज -2 है और इस पर जो चार्ज है वो +12 है, तो मतलब लेफ्ट साइड में जो टोटल चार्ज इन दोनों को मिलाने से +10 आ रहा है, लेकिन अगर हम इस साइड में देखें तो टोटल चार्ज हमारा क्या है, 0 है, तो चार्ज देखो इस साइड में 10 ज़्यादा है, तो अगर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन को इस साइड में हम लोग जोड़ देंगे तो दोनों ओर चार्जेज 0 हो जाएंगे यानी बराबर हो जाएंगे, तो चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद अब हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉन का यूज हम लोगों ने किया है, हमें दोनों को जोड़ना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो जाए, तो इसके लिए हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, क्योंकि यह जो है वो इक्वल के उस साइड में है, ये इक्वल के इस साइड में है। अब देखो ये 5 × 10 I- हो जाएगा है ना, और इस साइड में कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2IO3- और यहाँ पे आ जाएगा 12H+ हो गया सारा चीज, एरो देंगे हम लोग, ये क्या आ जाएगा, 5I2 यहाँ पे है और 1I2 यहाँ पे है, तो 5I2 और 1I2 मिल करके क्या हो जाएगा, 6I2, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6H2O। अब देखो पूरे इक्वेशन से हम लोग दो कॉमन ले सकते हैं, तो दो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये हो जाएगा 5I-, ये हो जाएगा IO3-, और ये 6H+ होगा, और यहाँ पर दो कॉमन लेने के बाद 3I2 और ये 3H2O बनेगा, तो इस तरीका से हमारा जो पूरा इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा।